नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईटानगर के होलांगी में पहले ग्रीन फील्ड और डोली पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और फरवरी 2019 में इस हवाई अड्डे का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन बीच में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद एयरपोर्ट का काम बहुत कम समय में पूरा किया गया है। डोली पोलो हवाई अड्डे अरुणाचल प्रदेश के लिए तीसरा हवाई अड्डा है, जिसके बाद उत्तर पूर्व में कुल हवाई अड्डों की संख्या 16 हो गई है। आपको बता दें कि 2014 तक उत्तर पूर्व में केवल 9 हवाई अड्डे बनाए गए थे और तब से 8 साल की छोटी सी अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्वोत्तर में 7 हवाई अड्डे बनाए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, गुजरात चुनाव भी नजदीक आ रहा है और ऐसे में हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश में लगी है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि अपने शीर्ष नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर फायदा उठाया जाए, इसलिए पीएम मोदी गुजरात में आज से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज से 21 नवंबर तक 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इन 3 दिनों में पीएम मोदी 8 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से पहले उनका पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था। पीएम मोदी का चुनाव प्रचार अभियान दक्षिण गुजरात से शुरू होगा और सबसे पहले आज शाम 7:30 बजे वलसाड में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी रात को वहीं रुकेंगे। अगले दिन रविवार को सुबह 10:15 पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और इसके बाद बरावल, धोराजी और अमरेली और बोटाद में भी 4 चुनावी सभाएं होंगी और बरावल में सुबह 11 बजे, धोराजी में 1:15 बजे, अमरेली में 2:30 बजे और बोटाड में शाम 6:15 बजे जनसभा होगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम राजभवन में होगा और अगले दिन यानी सोमवार पीएम मोदी फिर चुनाव अभियान पर निकलेंगे। सोमवार को पीएम की 3 चुनावी सभाएं होंगी। सबसे पहले 12:00 बजे सुरेंद्र नगर में जनसभा होगी, फिर 2:00 बजे जम्बूसार में होगी और इसके साथ ही शाम 4 बजे नवसारी में चुनावी सभा होगी। भारत की आयरन लेडी यानी कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती मनाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि हमारी पूर्व पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि और इसके साथ ही पीएम मोदी ने शनिवार को ब्रिटिश सेना के लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी उनकी जयंती पर याद किया और कहा कि उनके साहस और देश के लिए उनके महान योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई को भी याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं, हमारे राष्ट्र के लिए उनके साहस और महत्वपूर्ण योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वो औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके दृढ़ विरोध के लिए प्रेरणा का स्रोत है और पहले साल इस दिन ही मेरी झांसी यात्रा की झलकियां साझा कर रहा हूं और लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य को हड़पने के ब्रिटिश सेना की कोशिश का बहादुरी से विरोध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और इसके साथ ही भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 105वीं जयंती है और इस मौके पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ आज सिर्फ महिलाएं चलेंगी और पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ये जानकारी दी है। वहीं इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई राजनेताओं ने उन्हें याद किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारी पूर्व पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन और वहीं राहुल गांधी ने आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
दौरान इंदिरा गांधी के उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र से गुजर रही है और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर इस यात्रा में केवल महिलाएं राहुल गांधी के साथ चलेंगी और ऐसा कर महिला शक्ति को दर्शाया जाएगा और इसमें कांग्रेस और पार्टी से जुड़ी शाखाओं की महिलाएं शामिल होंगी और पार्टी सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र से लेकर देश के अन्य कई हिस्सों से पार्टी की महिलाएं इस महिला शक्ति यात्रा में शामिल होंगी। इस तरह पार्टी इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मसाज करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप सरकार ने जेल नियमों का उल्लंघन किया है, सजा की जगह पर सत्येंद्र जैन को पूरा VIP मसाज जो है वो दिया जा रहा है। तिहाड़ जेल के CCTV फुटेज में सत्येंद्र जैन बेड पर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई दस्तावेज जो है वहां पर देख रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान एक शख्स उनके पैर में मसाज कर रहा है और सत्येंद्र जैन अपने पैर उसके ऊपर रखकर मसाज करा रहे हैं और इससे पहले सत्येंद्र जैन केस खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ईडी ने सत्येंद्र जैन से संबंधित समस्त डेटा गृह मंत्रालय को भी दिया था और ईडी का आरोप है कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिली भगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी और इसके बाद जेल नंबर 7 के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। ईडी ने कोर्ट से की गई शिकायत में कहा था कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम की तमाम CCTV फुटेज भी कोर्ट को सौंपी थी। ईडी ने अपनी शिकायत में कहा था कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं दी जा रही है। गौरतलब है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की थी। खबर गोंडा से है, जहां आज अपने एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे खाद और रसद मंत्री सतीश शर्मा ने कर्नलगंज और गोंडा नवीन गल्ला मंडी का निरीक्षण किया है। धान क्रय केंद्रों के निरीक्षण के बाद मंत्री ने सर्किट हाउस में अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद स्थापित किया है। बैठक के बाद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि योगी और मोदी सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है। वहीं श्रद्धा मर्डर केस पर मंत्री ने कहा कि ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मांतरण का जो विरोध करती रही है और उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी इस तरह की घटना सामने आई है वहां योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आपको बता दें कि गोंडा से खबर है, जहां पर गल्ला मंडी है जो वहां पर निरीक्षण किया गया है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि मंत्री का जो है उसमें बयान भी सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने बातचीत में बताया है कि योगी और मोदी सरकार अपने एजेंडे पर काम कर रही है और वहीं श्रद्धा मर्डर केस पर मंत्री ने यह भी कहा कि ये घटना जो है दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मांतरण का विरोध करती रही है, उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी इस तरह की घटना सामने आई है वहां योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करेगी। क्या आप जिहाद पे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में कानून आप बनाने जा रहे? जो भी आवश्यक होगा, जनहित में होगा, वो सारे प्रयास किए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही इस प्रकार के धर्म के नाम पर धर्मांतरण का हमेशा विरोध करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जहाँ जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं सब सरकार प्रभावी कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी
निरंतर जिस राष्ट्रवाद अंत्योदय के संकल्प को लेकर आगे बढ़ी, डीएम बस्ती ने छात्र संघ चुनाव को स्थगित कर दिया है और इसके जिसके बाद से छात्र नेताओं और छात्रों ने डीएम के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में छात्रों ने डीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर निर्धारित तिथि पर चुनाव कराए जाने की मांग की और छात्रों और पुलिस प्रशासन के बीच जमकर हंगामा हुआ। गौरतलब है कि जिले में 2 डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ का चुनाव होता है और छात्र संघ चुनाव की डेट फाइनल कर दी गई थी, लेकिन फोर्स की कमी की से डीएम ने चुनाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है, जिसको लेकर छात्र नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लाइन में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की स्थिति पैदा हो गई और रात में डीएम आवास पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन कर चुनाव कराए जाने की मांग की। वहीं डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया है कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से जनपद में फोर्स की कमी है और ऐसे में छात्र संघ का चुनाव कराना संभव नहीं है और जल्द ही चुनाव की अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। मैम, गेट पर प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव जो है हमारे यहाँ 2 महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की मांग थी कि कराए जाए, जिसको दृष्टिगत रखते हुए कुछ तिथियाँ घोषित की गई थी, लेकिन अचानक से वीआईपी मूवमेंट में फोर्स के मांग ले जाने के कारण हमारे यहाँ फोर्स की अभी इन तिथियों में अनुपलब्धता है और साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इस चुनाव को अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित किया जा रहा है। और यही मैं विद्यार्थियों को आश्वासन दूंगी कि यह स्थगित किया जा रहा है, शीघ्र ही जो है वो इसको कराया जाएगा। अतः आप शांति व्यवस्था बनाए रखें और नियमों का अनुपालन। और इसी खबर पर हमारे साथ बस्ती से संवाददाता पारसनाथ मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारसनाथ, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि छात्रों ने डीएम को लेकर एक जो चुनाव स्थगित हुआ है छात्र संघ का, उसको लेकर हंगामा देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला है, छात्र संघ का चुनाव होना था, छात्र संघ ने चुनाव को लेकर छात्र जो है पूरी तरह से तैयारी किए थे चुनाव में लेकर के, लेकिन चुनाव की जब तारीख नजदीक आई और पत्र दाखिला का समय आया तो प्रशासन ने ये कह करके कि हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, संसाधन और हमारे पास वोट नहीं है, इसलिए हम चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो चुनाव जो है स्थगित कर दिया। तो जिसको लेकर के छात्रों तमाम गुटों ने जो है वो धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और चक्का रास्ता भी जाम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि डीएम कार्यालय के सामने बैठ करके धरना भी देना शुरू किया। इसको लेकर के पुलिस ने जो है जब सख्ती बरती की यहाँ पे धरना नहीं दे सकते तो उन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से उठाया गया और ले जाकर के जो है ये मतलब अस्थायी तरीके से जेल में जो है दाखिल किया। लेकिन फिर भी छात्र जो है माने नहीं, अभी भी छात्र जो है उपद्रव की स्थिति में है, लेकिन इस समय जो है स्थिति थोड़ी सामान्य है। जी पारसनाथ, जिस तरह से बताया जा रहा है कि यह हंगामा हुआ है और लोगों की जो संख्या है वो भी वहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रही है, वहीं बहस करते हुए लोग पुलिस से नजर आ रहे हैं। जी, समस्या तो आई है, लेकिन छात्र जो है पत्र हो रहे, छात्र जो है पूरे शहर को जो है वो दिक्कत हो गई थी, क्योंकि छात्रों का जो कुछ है पूरा पूरे उसमें पूरे जो मार्केट है जो और जो स्कूल के नजदीक जो मार्केट है उसमें पूरी तरह से हंगामा कर दिए थे और जी पारसनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बस्ती से खबर है जहां पर छात्रों ने जो हंगामा कर दिया है और छात्र चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है और डीएम आवास पर यह धरना प्रदर्शन दिया गया है जहां पर गुस्साए हुए छात्र साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ छात्रों ने पुलिस के साथ भी बहसबाजी की है और पुलिस लगातार छात्रों को समझाने की कोशिश कर रही है। पलानी थाना अंतर्गत अदरी गांव का मामला सामने आया है जहां फिर एक बार धर्म परिवर्तन का मामला देखने को मिला है, जहां पीड़ित बिहार की रहने वाली बताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बताया कि गफ्फार खान लेबर लेने अक्सर बिहार आया करता था और उसने मुझे अपना नाम
गफ्फार सिंह बताया था। 2007 में जब मैं 14 साल की थी तो मुझे बहला फुसला कर अपने गांव ले आया, तब मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है। तब मैंने शादी ना करने से विरोध कर दिया था तो मुझे डरा धमका कर जबरन मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया और मेरे साथ गफ्फार खान बार बार शारीरिक शोषण करता रहा और आज मुझको घर से बाहर निकाल दिया है, दूसरी शादी कर ली है और आज मेरे 11 साल की लड़की भी मेरे पास है और अब हम माँ और बेटी कहाँ जाएं, हमें न्याय चाहिए। तो आपको बता दें कि बांदा से खबर है जहां पर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी 14 साल में ही उसने शादी की थी और जिसके बाद उसकी अब 11 साल की बच्ची है, जिसके बाद अब उसका पति उसे शारीरिक शोषण उसके साथ किया करता है और उसने दूसरी शादी करने की भी धमकी दी है। और इतना ही नहीं, उसने बोला है कि गफ्फार खान उसका नाम है आरोपी का, और शारीरिक शोषण जो है वो किया करता था और घर से बाहर भी निकाल दिया गया है उसे और दूसरी शादी कर ली गई है और आज उसके पास 11 साल की बेटी है और लगातार महिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। मेरा आदमी क्या कहता है? वो दूसरी शादी कर लिए है जी, और वो मुझे बिहार से ले लाया है, अब लाख ले। अब उसके बाद वो पहले वो झूठ बताया कि हमें हिंदू धर्म का यादव गफ्फार सिंह बता रहा था। इसके बाद वो जो जब वो यह जब गांव लेवा के आया है वो बताया कि मैं मुस्लिम जाता हूँ। उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हारा रहना चाहती हूँ, तो वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। और इसी खबर पर बांदा से संवाददाता पंकज त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, महिला लगातार आरोपी पर गंभीर आरोप भी लगाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्या है पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, ये पैलानी थाना अंतर्गत अधी गाँव का है, जहाँ पर एक तफार नाम का एक युवक अक्सर कस्बा साफियाबाद जिला मुंगेर बिहार अक्सर लेबर लेने जाता रहा है। वहीं पे किसी 2007 की घटना है, मैं आपको बता दूं 2007 की, तब शायद उस महिला की उम्र 14 साल की, नाबालिग थी लड़की, तो उस समय उसका कहीं बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उसने अपना नाम जफ्फार सिंह बताया, जबकि वो मुस्लिम था, उसने अपना हिंदू मुस्लिम नाम छुपाकर जफ्फार सिंह बताता रहा। वो लड़की को बहला फुसलाकर 2007 में बिहार से यहाँ बांदा आपका पैलानी थाना अंतर्गत अदरी गांव ले आया और जब उस लड़की महिला को पता चला कि ये हिंदू नहीं, ये मुस्लिम लड़का है, तो उसने शादी करने का विरोध किया। जब शादी करने का विरोध किया तो आपको बता दें कि उसने डरा धमका कर और किसी तरह जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसके आज 11 साल की महिला की लड़की है और उसने जफ्फार नामक युवक ने दूसरी शादी कर ली और उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब उसने कहा कि अब तुम जा सकती हो। इसको लेकर उस महिला ने कल जाकर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि हमको न्याय दिया जाए। जी पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो आधार कार्ड और फिंगर कार्ड क्लोन बनाकर लोगों के खातों से धारकों के पैसा निकाल लेते थे और अभी तक इन लोगों ने करोड़ों रुपए का कार्ड लोगों के साथ किया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विकास मकवाना पुणे महाराष्ट्र में मौजूद एजी पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर के रूप में ही कार्यरत है। इन्होंने साइबर अपराध थाना गोरखपुर को डाक के माध्यम से एक सूचना दी थी जिसमें बताया गया है कि हमारी प्राइवेट लिमिटेड के कुछ अन्य बैंक जो पार्टनर हैं, बैंक पार्टनर हैं और इंक्वायरी बैंक में ही IPS ब्लड के ही द्वारा कार्ड ईमेल और नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ था, जिसमें ग्राहक ने बताया कि उनसे बैंक से कोई लेन देन नहीं किया था लेकिन उनके बैंक खातों से पैसा डेबिट हो गया है। और तब हमने ग्राहक से बात कर मामले की जांच की तो पता चला कि हमारी कंपनी कुछ एजेंट को गोरखपुर में है और उनके द्वारा आधार कार्ड और अंगूठे के निशान का
डाटा लेकर उनके बैंक अकाउंट से फर्जी तरीके से पैसा निकाल लिया गया है और फिर सारा पैसा खुद के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही साइबर पुलिस गोरखपुर ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। शाहपुर थाना क्षेत्र के विकास उर्फ विक्की आजमगढ़ रोनापार थाना क्षेत्र के रहने वाले अक्षय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 1,23,000 रुपये नगद और एक मोटरसाइकिल, सोने के कुछ जेवर और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए। आज जो प्रेस वार्ता है वो एक साइबर क्राइम अपराध के संबंध में है। एक इजी पे करके कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है, पुणे बेस्ड है। उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके द्वारा इसको कंप्लेंट भेजी गई कि इनके कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे अनाधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। जब उस पेमेंट एजेंट गेटवे ने अपना जांच कराई तो उसमें कुछ एजेंट्स के नाम निकल के आए जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस आधार पर उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन भेजा रजिस्टर्ड डाक से, उस पर जाँच करके मुकदमा पंजीकृत किया और जाँच की गई तो उसमें जो बैंक अकाउंट हमें पहुँचा दिए गए थे उनके द्वारा, उसके हमें KYC पे हमने जाँच तो उसमें कुछ नंबर्स निकल के आए, उस पर हमने काम किया। और इसी खबर पर गोरखपुर से संवाददाता धनेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश कुमार, जिस तरह से मामला सामने आया है, करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है, पूरा मामला क्या है और कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि साइबर क्राइम एक बड़ा क्राइम बनता जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जाता है, बार बार जागरूक किया जाता है, लेकिन जो उनके जो काम करने वाले हैं उनसे दो कदम हमेशा आगे जा रहे हैं। मामला एक महाराष्ट्र कंपनी का जो EGP के नाम चला जाता है, कई प्रदेशों में इसके ब्रांचेस है, उनके गोरखपुर में ब्रांच है, जो उनके मैनेजर के द्वारा जो है गोरखपुर के क्राइम ब्रांच को एक डाक के द्वारा चिट्ठी लिखी गई, उनसे बताया गया कि गोरखपुर के कुछ रहने वाले लोग हैं जो करोड़ रुपए के हमारे जो ग्राहक है उनके करोड़ रुपए के उनसे ठगी कर चुके हैं, उनके क्लोन बनाते हैं, उनके का क्लोन और आधार कार्ड का जो है डुप्लीकेसी बना करके जो ठगी का शिकार किए हैं, जो करोड़ रुपए की बात सामने आई थी उसमें गोरखपुर के साइबर क्राइम ब्रांच में एक्टिव होते हुए इन सभी लोगों को जो है गिरफ्त ले लिया और सारा मामला सामने उजागर आया कि जो खाता धारक उनके अंगूठों के क्लोन और डुप्लीकेट जो है आधार कार्ड बना के उनके पैसे निकाल के ट्रांसफर करके दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लिए जाते थे और जो एजेंट इसमें शामिल थे उनको प्रतिदिन 1,000 रुपए उनको दिए जाते थे फ्रॉड करने के लिए और सभी मिलकर अभी तक करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। लेकिन वही साइबर क्राइम ब्रांच जो है गोरखपुर का एक्टिव होते हुए इन सभी लोगों को गिरफ्त में लिया और सारी चीजें जो थी उनके पास से रिकवरी किया गया। जी धनेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। यूपी के पीलीभीत जनपद में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले सामने आ चुके हैं और बीते दिनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी एक सड़क का मामला सामने आया था, फिर एक APO और BDO के भ्रष्टाचार को लेकर ही प्रधानपति और APO द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। तो वहीं अब बता दें आपको कि अब एक बार फिर पूर्णमान तहसील इलाके का ही ठेकेदारी प्रथा से जुड़ा हुआ मामला प्रकाश में सामने आया है। आपको बताते चले कि विकास खंड के क्षेत्रों में गुणवत्ता घटती जा रही है तो वहीं ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर ग्राम प्रधानों से शीघ्र भुगतान कराने का अवैध दबाव भी बना रहे हैं। ऐसा था, पेमेंट आया SLW का, है ना, वो ठेकेदार कह रहा था हमारा SLW में पेमेंट कर दो, तो SLW के लिए मैंने मना कर दिया, वो साहब गांव की स्वच्छता के लिए पैसा आया है तो ये कह रहा था हमारा SLW पेमेंट का, जब मैंने मना कर दिया तो उसने हाथ छेड़ दिए मेरे ऊपर, वो था उसके चार लड़के थे, चारों ने मिलकर मारा, यहाँ जाति बाधक शब्द के है, मतलब हमारी जात के लिए कहा तो नीचे तेरे जैसे नीच आते हैं, हमारी जात के लिए उल्टा सीधा था, हमारे लिए मारा। पीलीभीत में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, यहाँ चौराहे पर अंधेरा पसरा नजर आ रहा है और तत्कालीन जिलाधिकारी पुलकित खरे और गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने शहर के प्रमुख चौराहे सजाए थे और यह चौराहा तिरंगा लाइटों और स्ट्रीट लाइटों से जगमगाया था और साथ ही इसकी जिम्मेदारी नगर पालिका को दी गई थी, लेकिन नगर निगम इसमें फेल हो गई है जिसकी वजह से शहर के प्रमुख चौराहों पर अंधेरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है।
हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दो युवकों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें काली शर्ट पहने दीपक ने चेकदार शर्ट वाले संदीप को गिराकर पीट दिया है और दोनों में रुपए को लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ। आपको बताते चले कि हरदोई से ही गोपामऊ चलने वाली प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बताए जा रहे हैं। अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अभी तक तहरीर प्राप्त नहीं हुई, होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। We'll be right back.